आ गए हैं मांसाहारी बैक्टीरिया जो इंसान को अंदर से खाकर खत्म कर देते हैं। दोस्तों, कोलकाता में रहने वाले मरमोए रॉय के नाम के एक शख्स को 16 अक्टूबर को ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के दौरान लोहे की रॉड इनके कूल्हे में यानी कि उनके पिछवाड़े में घुसी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उनके शरीर से रॉड निकाल दी और घाव पर मरहम पट्टी कर दी। सबको लगा एक्सीडेंट छोटा है, ये बच जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट के दो दिन बाद उनकी हालत नाजुक होने लगी। घाव बढ़ता चला गया, बुखार तेज हो गया और 5 दिन बाद मरमोई की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। जांच हुई तो पता चला कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनके जख्म में मांस खाने वाले बैक्टीरिया घुस गए थे और इन्हीं बैक्टीरिया ने उनके पैर और प्राइवेट पार्ट को खा डाला। जी हाँ, अब तक आप लोगों ने बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन ये मांस खाने वाले मांसाहारी बैक्टीरिया और भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये किस तरह हमारे शरीर पर कब्जा करते हैं और कैसे हम इस मांसाहारी बैक्टीरिया से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। असल में बैक्टीरिया एक कोशिका वाले माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के अंदर और बाहर दोनों जगह लाखों की संख्या में मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया की सबसे खास बात यह है कि ये हर तरह के पर्यावरण में मौजूद होते हैं, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपको बैक्टीरिया ना मिले। मिट्टी के अंदर से लेकर समुद्र के पानी में, यहाँ तक कि हम इंसानों के शरीर में भी आपको अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो अपनी नंगी आंखों से इनको देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। और अगर आकार की बात की जाए तो इस आधार पर बैक्टीरिया 5 प्रकार के बताए जाते हैं। सबसे पहले तो गोल आकार का बैक्टीरिया होता है, जो दूसरा रॉड के आकार के बैक्टीरिया होते हैं। तीसरे नंबर पर कोमा के आकार वाले बैक्टीरिया, फिर आते हैं सरपिर आकार के बैक्टीरिया और अंतिम नंबर आता है कॉर्कस्प्रू आकार वाले बैक्टीरिया का, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण स्पायरोचित बैक्टीरिया है। आपको ये पता चल गया है कि बैक्टीरिया किस आकार के होते हैं। अब एक अहम सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सारे बैक्टीरिया खराब होते हैं? क्या सभी बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं? तो दोस्तों, ये बात सच है कि आमतौर पर बैक्टीरिया को संक्रमण, बीमारियों और मौत का कारण माना जाता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस दुनिया में पाए जाने वाले लगभग 99% बैक्टीरिया हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सिर्फ 1% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे बीमारी फैलती है, और उन 1% में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं, जिसका उदाहरण आप देख ही चुके हैं। और हाँ, अगर शरीर में मौजूद जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनकी अगर कमी हो जाए तो हमें पाचन संबंधित समस्याएं, नींद की समस्या, त्वचा पर चकते एवं एलर्जी, पढ़ना, थकान, सुस्ती जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें से अधिकतर हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारी बॉडी को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन अगर दुष्ट प्रकार के बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो शरीर के अंदर घुस जाए तो फिर हमारा जीना हराम कर सकते हैं। और ठीक है, ऐसा ही कोलकाता में रहने वाले मरमोए रॉय के साथ भी देखने को मिला। ये जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये मांस खाने वाला बैक्टीरिया है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं। मांस खाने वाले इन बैक्टीरिया का नाम है नेक्रोटाइजिंग फासिसाइटिस। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर के अंदर किसी जख्म या फिर कटी फटी त्वचा के रास्ते अंदर घुसते हैं और इंसान की कोशिकाओं और टिश्यू खाना शुरू करते हैं। शरीर में घुसने के बाद ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करते हैं और फिर ये सभी मिलकर शारीरिक अंगों को खाना जारी रखते हैं। यहाँ सबसे पहले ब्लड सेल या फिर कह लीजिए कि रक्त कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में ब्लड का फ्लो बंद होता है और शरीर में खून की कमी होने लगती है। इसके बाद इन बैक्टीरिया को फेफड़ों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता और फिर सांस लेने में इंसान को दिक्कत होने लगती है। जाहिर सी बात है, ये बैक्टीरिया शरीर के हर एक हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति को 1 हफ्ते के अंदर मौत हो सकती है। दोस्तों, ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा दुर्लभ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जैसे विकसित देश में इसकी आबादी करीब 50 करोड़ है। वहाँ हर साल लगभग 400 से 500 लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मांस खाने वाले बैक्टीरिया से संक्रमित हर 3 में से एक मरीज इस वक्त एक और इन्फेक्शन का शिकार हो रहा है, और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से तेज से ब्लड का प्रेशर डाउन होने लगता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगला सवाल ये भी हमारे सामने खड़ा होता है कि इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा किसे होता है। मांस खाने वाले बैक्टीरिया का शिकार होने वाले तकरीबन 70% लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर, एड्स, कैंसर और शुगर आदि के मरीज होते हैं। ये संक्रमण शराब पीने या फिर धूम्रपान करने वालों को भी अपना शिकार बनाता है। साथ ही यूरिन इन्फेक्शन और पथरी के मरीजों में भी ये इन्फेक्शन तेजी से फैल जाता है। मांस खाने वाले बैक्टीरिया कितने खतरनाक होते हैं यह तो आपको पता चल गया, लेकिन डॉक्टर्स बैक्टीरिया का पता कैसे लगाते हैं और कैसे इसका इलाज करते हैं? दोस्तों, इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले बायोप्सी करते हैं, जिसमें शरीर के टिश्यू की जांच की जाती है। दूसरी कंडीशन में ब्लड प्रेशर को बार बार मापकर इसमें रक्त प्रवाह पर इन्फेक्शन का असर डाला जाता है। और तीसरा है सीटी स्कैन, मतलब MRI और अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर्स बैक्टीरिया का पता लगाते हैं। दोस्तों,
मांस खाने वाले बैक्टीरिया किस तरह शरीर में कब्जा करके इंसान को जान से मार देते हैं तो आप समझ गए, लेकिन क्या इस तरह के खतरनाक बैक्टीरिया का इलाज संभव है? तो दोस्तों, इस तरह के मांसाहारी बैक्टीरिया के संक्रमण से बचने के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन बाजार में नहीं आई जिसे लगाकर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच जाएं। हालांकि डॉक्टर एंटीबायोटिक और सर्जरी के जरिए शरीर में फैलने वाले संक्रमण को रोकने में पूरी कोशिश करते हैं, और अगर ये संक्रमण ज्यादा फैल जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए शरीर के उस हिस्से को बाहर निकाल देते हैं जहां बैक्टीरिया ने अपना कब्जा जमाया होता है। इसी के साथ ही डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि आप साफ सफाई के जरिए अपने जोखिम को कम कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको पहले से कोई घाव है तो उसकी अच्छे से देखभाल करें, अपनी पट्टियों को नियमित रूप से बदलें और साफ सफाई पर ज्यादा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि कुछ लोग चोट लगने पर गंदे कपड़े से उसे साफ करते हैं, नियमित रूप से मलपट्टी नहीं करते और इसी वजह से बैक्टीरिया और तेजी से पनपते हैं। यहाँ पर लोगों को चोट लगने के तुरंत बाद ही घाव को बिल्कुल साफ पानी से अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। मांस खाने वाले बैक्टीरिया आपके शरीर में अपना कब्जा न जमा पाए, वरना घाव भले ठीक हो जाएगा लेकिन ये बैक्टीरिया आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थे मांस खाने वाले बैक्टीरिया, इनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बैक्टीरिया के बारे में अब तक नहीं जानते थे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों यारों को इससे जरूर शेयर करें ताकि किसी को भी इस खतरनाक मांस खाने वाले बैक्टीरिया के बारे में पता चले और उसको जान न गंवानी पड़े। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात की है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।